हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 15. वी हैव डिस्कस्ड आर प्रीवियस थिंग्स इन आर प्रीवियस वीडियो आर चैप्टर इन प्रीवियस वीडियोस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट पार्ट इज एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड. एक ऐसी इमेज जो कि आप स्क्रीन के ऊपर नहीं पा सकते, वो कौन सी इमेज होती है बेटा, रियल या वर्चुअल? तो जो इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है दैट इज नोन एज रियल, और जो नहीं मिलती है दैट इज नोन एज वर्चुअल. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वर्चुअल. नेक्स्ट पार्ट इज इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स इज ब्लैंक स्पेस ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज. कौन से लेंस या मिरर, किसकी हेल्प से आपकी इमेज कॉन्वेक्स में हमेशा ही वर्चुअल होती है और साइज में स्मॉलर होती है? तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है. सो इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी जरूरी है. नेक्स्ट पार्ट इज एन इमेज फॉर्म बाई ए ब्लैंक स्पेस मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. कौन से मिरर की हेल्प से आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की होती है? तो प्लेन मिरर की हेल्प से. एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड इमेज. जो कि स्क्रीन के ऊपर मिल जाती है वो इमेज कौन सी होती है? आपकी रियल इमेज होती है. एन इमेज फॉर्म बाई ए कॉनकेव ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. किसकी हेल्प से आप, कौन से इमेज ऐसी होती है जिसको आप स्क्रीन पे नहीं मिला सकते? तो कॉनकेव के केस में वो लेंस में जाएगा, जबकि कॉन्वेक्स के केस में वो हमारा वर्चुअल थी तो वो मिरर के केस में था. तो यहाँ पर तो ऑब्टेंड कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन, तो कॉनकेव यहाँ पे लिखा, तो कॉनकेव लेंस के केस में होता है वो. सो दीज आर योर फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ आर नेक्स्ट पार्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मार्क एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाई ए कॉन्वेक्स मिरर. इज दिस अ ट्रू और फॉल्स? नो, दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट इज अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. अभी हमने ब्लैंक स्पेस में देखा ऊपर कि कॉनकेव लेंस की हेल्प से आपकी जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं मिलती है, और स्क्रीन पे जो नहीं मिलती है वो हमेशा ही कैसी होती है, वर्चुअल होती है. तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया. नेक्स्ट इज वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाई ए कॉनकेव मिरर. हम एक रियल एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव मिरर की हेल्प से पा सकते हैं. ये कॉनकेव मिरर की बात है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर की बात है, तो ये हमारा ट्रू हो गया. नेक्स्ट पार्ट इज अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन. नहीं, रियल इमेज तो कैन नॉट है ना, नहीं ये गलत है, क्योंकि रियल इमेज हमें स्क्रीन पे मिलती है, वर्चुअल इमेज हमें नहीं मिलती. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज. कॉनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है? नहीं, कॉनकेव मिरर तो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. सो दीज आर योर ट्रू फॉल्स. नाउ योर मैच द कॉलम. एक और पार्ट में है अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होगी, इनमें से सर्च करो तो इनमें से देखेंगे तो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी आएगी, द इमेज इज इरेक्ट ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया. कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपकी जो इमेज है वो लार्ज एरिया के ऊपर स्प्रेड होती है. नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस की क्या प्रॉपर्टी है. कॉन्वेक्स लेंस के केस में आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज कर सकते हैं. कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, कॉनकेव मिरर को आप यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, सो दैट की बड़ी इमेज दिख जाए, आपकी कैविटी है या कोई और प्रॉब्लम है टीथ में या ईयर में, नोज में, तो इन सब के लिए हमारे डेंटिस्ट या जो आपके जो भी ENT डॉक्टर होते हैं वो कॉनकेव मिरर के ही यूज करते हैं. कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस ई पार्ट, कॉनकेव लेंस के लिए आपका सिक्स ऑप्शन आ जाएगा, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. आपकी जो इमेज होती है वो स्मॉलर साइज में होती है, इरेक्ट होती है. नाउ योर नेक्स्ट पार्ट, योर नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 4? लुक एट दिस क्वेश्चन. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर के थ्रू जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब आपको बतानी. मैंने पूरी स्लाइड में, एक पूरी स्लाइड थी हमारी प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि प्लेन मिरर की इमेज आपकी इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस पे होती है, और लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है. राइट हैंड आपको लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट हैंड आपको राइट दिखता है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपने प्लेन मिरर के केस में देखी थी. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5. Find out the letter of the English alphabet or any other language known to you in which
The image form in a plane mirror appears exactly like the letter itself. तो आपको वो लेटर निकालने हैं इंग्लिश अल्फाबेट से जो कि आपको लेफ्ट राइट करने पे मतलब प्लेन मिरर के केस में वो अपनी चीजें क्या करें फॉलो करें. डिस्कस योर फाउंडिंग्स, डिस्कस योर फाइंडिंग्स. आपको अपनी फाइंडिंग देखनी है तो आप देखते हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि ए है, एच है, आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू, ये सारे ऐसे हैं जिनका लेफ्ट और राइट बराबर है. तो ये सब हमें प्लेन मिरर के केस में सही इमेज देते हैं. सो दीज आर योर फाइव क्वेश्चंस. वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू.